बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। मतलब कि हमें फंक्शंस गिवन है, उनके हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसके तकरीबन पहले क्वेश्चन के 11 पार्ट्स हैं, इसमें से कुछ पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे इसमें इस लेक्चर में। पहला फंक्शन जो गिवन है वो है 3x² - 2x + 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब सबसे पहले तो हमने देखना ये होता है कि इस फंक्शन पे क्या कोई थ्योरम अप्लाई हो सकता है, कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है और कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है, तो उनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो ये चीजें हमने सबसे पहले देखनी है। तो इनमें से आप देखें, मैं आपको बताता हूं कि ये किस टाइप का फंक्शन है। इसमें आप नेगेटिव यानी कि दो ये एक्सप्रेशंस आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं और दो आपस में ऐड भी हो रही हैं, ठीक है। मतलब कि सम और डिफरेंस वाला थ्योरम, जो पहला थ्योरम हमने पढ़ा था, ठीक है, थ्योरम में पिछले लेक्चर में, उस पे यानी कि इस पे वो अप्लाई होगा। तो पहला थ्योरम क्या था कि सम और द इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंटीग्रल्स, ठीक है। मतलब कि अब इसका हम अलग अलग से इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया 3x² dx, और अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन ही लगाएंगे, प्लस होता तो प्लस में लगाता, माइनस साइन आ गया इंटीग्रल साइन, और दूसरा फंक्शन क्या है 2x है, उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू dx प्लस आप प्लस है ये साइन, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हो गया और 1 dx है। ठीक है, तो अब इस पे आपने देखना है कि अब इस पे एक और थ्योरम अप्लाई हो रहा है। कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट विद अ फंक्शन, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रल साइन से बाहर ले आएंगे, बाहर आ गया, उसके बाद x² फंक्शन अंदर ही रहेगा और उसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से इस पे भी कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन से, और अंदर जो फंक्शन है वो बच जाएगा x dx प्लस, अब यहां पर 1 है तो इसको 1 ही रहने देंगे, 1 dx। अच्छा, कांस्टेंट चले, एक हमने थ्योरम अप्लाई किया सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, वो वाला, उसके बाद हमने कांस्टेंट का प्रोडक्ट विद जो फंक्शन है वो वाला थ्योरम हमने यहां पर अप्लाई किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो थ्योरम जिसमें हमने पढ़ा था कि फंक्शन की पावर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, उसकी पावर एन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव f' ऑफ x, उसका इंटीग्रल अगर हम लें तो वो किसके इक्वल आता है, वो इक्वल आता है एफ ऑफ एक्स पावर n+1 / n+1। ये वाला थ्योरम यहां पर अप्लाई होगा, और वो कैसे अप्लाई होगा, देखें इसमें 3 तो चलेंगे उसी तरह से रहेगा, लेकिन ये फंक्शन क्या है यहां पर, उस टाइप में उस फॉर्म में मैं लिख देता हूं, x की पावर क्या है यहां पर 2 और साथ में उसका डेरिवेटिव 1, ठीक है, खुद से मैंने लिख दिया क्योंकि 1 हम साथ में मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में क्या है dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x, x भी इसी तरह से x की पावर में 1 अगर लिखूं तो क्या ये x नहीं रहेगा, x ही रहेगा, और साथ में मल्टीप्लाई 1 करूं फिर भी ये x ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि मैं वो फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। अभी मैं साथ साथ आपको जो है कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज की समझ आए, फिर हम थोड़ा तेज चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, चले अभी हम नहीं लिखते, अभी इसी तरह से लिख देता हूं 1 dx,
साथ में ही तीनों की लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर तीन आ गया, इंटीग्रल ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन की पावर एन, एन यहां पर टू है, फंक्शन एक्स है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो ये वाला केस बन रहा है। मतलब फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, टू प्लस वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो पावर बनी है यानी कि टू प्लस वन, उसे हम डिवाइड कर देंगे, ये हो गया इंटीग्रल इसका। उसके बाद क्या है, माइनस टू, और ये भी वही फॉर्म बनी हुई है, इसमें फंक्शन क्या है, एक्स है, पावर एन है, बल्कि पावर वन है, ठीक है, साथ में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो हम यहाँ पर एक्स पावर वन प्लस वन करेंगे और डिवाइडेड बाय भी वन प्लस वन करेंगे। उसके बाद वन का इंटीग्रल क्या होता है, वन का इंटीग्रल होता है एक्स, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहां पर मैं लिख दूं साथ में कि जैसा कि डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, अगर इसका इंटीग्रल लें तो ये फंक्शन आना चाहिए, ठीक है, मतलब कि वन का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जिससे ये ड्राइव हुआ है एक्स प्लस सी, यहां पर एक्स मैंने लिख दिया और प्लस सी हमने कर दिया यहां, तो ये थे इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि थ्री बाय, ये भी थ्री बन जाएगा, थ्री बाय थ्री और एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस टू बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल करते हैं, थ्री थ्री से कैंसिल हो गया, टू टू से कैंसिल हो गया, बाकी जो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया है, रिजल्ट में आया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड की तो हमारे पास रिजल्ट में ये आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। किस किस तरह से फाइंड किया, हमने देखा कौन सा थ्योरम कब अप्लाई होगा, ठीक है, ये फंक्शन किस फॉर्म में मौजूद है और कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ठीक है, उसके बाद थ्योरम अप्लाई करने के बाद उसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ये आइडेंटिफाई करते हुए हमने उस पर अप्लाई किए थ्योरम्स भी और फॉर्मूलाज भी, और यहां तक हम उसके रिजल्ट तक पहुंचाए। ये था क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर वन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका आप इंटीग्रल फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने फाइंड करना है, और साथ में कंडीशन दी हुई एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर जीरो से कम हुआ या जीरो हुआ तो क्या होगा, यहां पर ये जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इनडेफिनेट बन जाएगा, यानी कि इनफिनिट बन जाएगा, ठीक है, तो इनफिनिट नहीं होना चाहिए हमारे फंक्शन को कभी भी। चले अब इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये किस तरह से हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप फंक्शन पर गौर करें तो ये भी दो फंक्शंस का सम बन रहा है, ठीक है, एक फंक्शन ये मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन जो है वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और उनके दरमियान में प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, मतलब कि ये दो फंक्शंस का सम है, तो इसको भी हम अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि इंटीग्रल साइन आ जाएगा पहला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने लिख दिया साथ, ठीक है, प्लस और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इनको हमने इंटीग्रेट करना है, अब हमने देखना है फंक्शन किस फॉर्म में, फंक्शन को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो मेरे ख्याल में ज्यादा समझ आएगी, एक्स पावर वन ओवर टू, ठीक है, स्क्वायर रूट यानी कि वन ओवर टू की फॉर्म मैंने लिख दिया डी एक्स प्लस, इसी तरह से इसको भी मैं लिख देता हूं, बल्कि स्क्वायर रूट हमने खत्म करना है, उसकी जगह पावर वन बाय टू लिखना है, एक्स पावर वन बाय टू साथ में डी एक्स। अब थोड़ी बहुत समझ आई आपको कि मतलब अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, वही फॉर्म के फंक्शन की पावर साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर अभी भी नहीं आई तो चले मैं इसको उस फॉर्म में लिख के दिखाता हूं आपको कि ये क्या है, एक्स पावर वन बाय टू है और साथ में आप वन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, साथ में इंटू वन मैंने लिख दिया तो ये वो फॉर्म बन गई, यानी कि
x का डेरिवेटिव, x जो फंक्शन है फंक्शन की पावर जो है 1 बाय 2 है और उस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव भी मौजूद है। ठीक है, ये तो चले हो गया। सेकंड फंक्शन की तरफ आते हैं, ये है x पावर 1 बाय 2 और वो डिनोमिनेटर में है। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, x पावर माइनस 1 बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ में इंटीग्रल का साइन भी मैंने लगा दिया, तो भी ये भी वही फॉर्म है। ठीक है, बस दोनों का थोड़ा फर्क है, पावर का डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये बन जाएगा x पावर 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1। ये 1 मैंने कैसा डाल दिया, 1 बाय 2 प्लस 1। अच्छा, इसमें भी इसी तरह से पावर में एक ऐड करेंगे, माइनस 1 बाय 2 पावर है प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, साथ में बल्कि हमने इंटीग्रेट अब कर ही दिया है तो प्लस सी भी हम लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं बोलना, मैं बोल जाता हूँ, आपने नहीं ये बोला। ठीक है, तो अच्छा उसके अलावा x पावर 1 बाय 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 बाय 2 बन जाएगा, ऐड कर लें आप, डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 प्लस x पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, इसको भी सॉल्व करें तो माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2, बल्कि नहीं ये माइनस 1 बाय 2 नहीं पॉजिटिव 1 बाय 2 आएगा क्योंकि 1 में से माइनस हो रहा है 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 बन जाएगा, ये भी 1 बाय 2 प्लस सी। अच्छा, अब कांस्टेंट को थोड़ा सही से लिख देते हैं कि ये 2 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, साथ में x पावर 3 बाय 2 प्लस 2 पर x पावर 1 बाय 2 प्लस सी। इसको मजीद आप यानी कि दोबारा से, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट में गिवन था, तो दोबारा से अगर आप स्क्वायर रूट में ही आंसर लाना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 बाय 3 इंटू एक्स पावर 1 बाय 2 इंटू एक्स पावर 1। ठीक है, मैंने अलग अलग करके लिख दिया ना, आप पहले या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 बाय 2 प्लस 1, वो तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, दोबारा क्यों लिखने की जरूरत है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर आप इन दोनों की पावर्स को सम करें, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसी तरह होता है ना, तो ऐड करके आप देखें 3 बाय 2 ही बनता है, मतलब कि x पावर 3 बाय 2 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया प्लस 2, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट की फॉर्म ही, मतलब कि 1 बाय 2 है तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं प्लस c। ये आपके पास यानी कि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ये हमने इंटीग्रेट किया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x को, तो हमारे पास रिजल्ट में ये आया 2 बाय 3 और इंटू x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री में जो हमें फंक्शन गिवन है वो है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx और इसका इंटीग्रल, इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है। अब बताएं मुझे कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ताकि हमारे पास फॉर्म सामने आए ना कि हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, किस फॉर्म में हमें गिवन है जी फंक्शन, अभी तक तो कोई समझ नहीं लग रही, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स पावर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इंटीग्रल साइन भी उसी तरह से और dx भी उसी तरह से। उसके बाद इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये x पावर 3 बाय 2 नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा प्लस x और साथ में dx और इसका इंटीग्रल साइन। अब देखें तो दो फंक्शंस हैं और उनके दरमियान में प्लस का साइन है, मतलब कि सम ऑफ टू फंक्शंस, और ये किसके इक्वल होता है, अगर इसका इंटीग्रल लिया जाए यानी कि इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ देयर इंटीग्रल्स,
ठीक है, तो मतलब कि इसका रहते रहते से हम इंटीग्रल ले सकते हैं। ये बन जाएगा x पावर 3 बाय 2 dx प्लस इंटीग्रल x dx। अब इसका आप इंटीग्रल फाइंड कर लें। दोबारा से चले मैं वो फॉर्म बना के आपको दिखा देता हूँ, ताकि एक बार फिर आपकी जो है रिवीजन भी हो जाए साथ में और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो x की पावर क्या है यहाँ पे 3 बाय 2, साथ में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दें और ये आ गया dx। इसी तरह से इसका भी मैं लिख देता हूँ, x की पावर यहाँ पर आपको क्या नजर आ रही है, नहीं है ना, तो 1 लिख सकते हैं x पावर 1 और साथ में 1 मल्टीप्लाई भी कर दें dx। तो ये वही फॉर्म बन गई फंक्शन, ठीक है, फंक्शन उसकी पावर साथ में उसका फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फंक्शन x है, पावर 3 बाय 2 है, ठीक है, डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है, तो ये फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें, डिवाइड कर दें फंक्शन की पावर में एक, ये बन गया। फिर उसके अलावा ये भी x पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c अब के लिए, क्योंकि अब हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो इसको चले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 3 बाय 2 प्लस 1, इनको सम करें तो क्या आएगा, 3 बाय 2 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 यानी कि 5 बाय 2, x पावर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख दें कि ये बन जाएगा 2 बाय 5 इंटू एक्स पावर 5 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। या फिर आप इसको अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं रिजल्ट को, जहां पर स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल 2 बाय 5 इंटू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब कि 5 बाय 2 को मैंने अलग अलग करके लिख दिया कि एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स पावर 1 बाय 2 की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये यानी कि फाइनल रिजल्ट आपके पास आया है। किसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया था, किसका इंटीग्रल फाइंड किया था, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रल हमने फाइंड किया, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, 2 बाय 5 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब कहने का यह है कि इसका इंटीग्रल ये क्यों आया, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करके देखें, जो रिजल्ट आपके पास आया है इसका आप अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये आपके पास आएगा। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्ट पे, पार्ट नंबर है 4, 2x प्लस 3 पावर 1 बाय 2 dx, इसको भी इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। आप कैसे करेंगे जी, यहाँ पे तो 2x प्लस 3 हो गया, ना x है ना x स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट ऑफ x, ये तो 2x प्लस 3 है और उसकी होल पावर 1 बाय 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें अगर आपको याद हो तो हमने पहला फार्मूला ही पढ़ा था, ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर n साथ में dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आती है, ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू n प्लस 1। चले अगर आपको ये भी नहीं याद, अव्वल तो आपको याद होना चाहिए, अगर ये भी नहीं याद तो फिर क्या हम करेंगे, तो हम थ्योरम्स यूज करेंगे। अगर थ्योरम नहीं बना हुआ, इसको थ्योरम बनाएंगे, कैसे चलें देखते हैं। ये क्या है जी, 2x प्लस 3 की पावर 1 बाय 2 इंटू dx। ठीक है, अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव, फंक्शन है उसकी पावर भी है, ठीक है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी कि अगर मैं 1 लिखूं तो क्या इसका डेरिवेटिव 1 है, नहीं, इसका डेरिवेटिव आप लेके देखें, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 2 मौजूद है, नहीं मौजूद, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ, ऐसे कैसे कर सकते हैं,
खुद से अगर करेंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ तो फिर बाहर 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप इस तरह कह लें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी बन जाए। ठीक है, मेरे पास वो थ्योरम बन जाए। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई 1 करने से चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो उसके लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई या किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे डिवाइड भी किया जाता है ताकि उसका कोई इफेक्ट ना रहे, यानी कि हमारा फंक्शन चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो अगर ये किया है तो ये 1, ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये 1/2 बन के बाहर आ जाएगा, मतलब कि हम इस तरह से लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 1/2 और साथ में 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ dx। इस 2 को मैं बाहर क्यों नहीं लेके गया, अगर इस 2 को, ये भी कांस्टेंट है ना, अगर इसको भी मैं बाहर ले जाऊं, हमने पढ़ा था जी कि एक फंक्शन है जी उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, 1/2 को तो मैं बाहर ले गया, इसको क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि इसको तो मैंने अंदर रखना है, तभी हमारा थ्योरम बनेगा, कंप्लीट होगा, तभी हम इस पे थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लेके गया। अब आप चेक करें, ये अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, सपोज मैं कहता हूँ जी के एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इज इक्वल टू है 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और 1/2 है, ऐसे ही है ना, यहाँ पे मैं साथ में लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है अगर, तो ये इसका डेरिवेटिव 2 है। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, ये फंक्शन है, उसकी पावर क्या है 1/2 है, साथ में क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव है, वही नहीं है डेरिवेटिव, 2 की जगह एफ प्राइम ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये फंक्शन है तो ये आ गया, ये इंटीग्रल साइन आ गया, ये डी एक्स आ गया। ठीक है, पहले से 1/2 चले बाहर नहीं लिखते, या लिख भी लें तो जो कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर भी तो मौजूद है ना। अच्छा, फंक्शन की पावर 1/2 साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव, वही फॉर्म बन गया, थ्योरम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं वो थ्योरम, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, यानी कि फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, इसकी पावर 1/2 है, इसमें एक ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय जो आप पावर बनी है ऐड करने के बाद उसे डिवाइड भी कर दें 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी 1/2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये 2 जो आपको नजर आ रहा है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचा, बाकी आपके पास बचा 2x प्लस 3 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या हम अगर फार्मूला जो अब हमने याद किया था या जो देखा था फार्मूलाज वाले लेक्चर में, चलिए इसको रब करते हैं, तो क्या वो अप्लाई करने से सेम रिजल्ट आएगा, हमने तो यहाँ पे थ्योरम बनाया पहले, फिर उस पे थ्योरम अप्लाई किया, फिर हमारे पास ये रिजल्ट आया, तो क्या हम अगर इस पे अप्लाई करें ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था तो क्या ये सेम रिजल्ट आएगा, चलें चेक करते हैं। हमने कहा जी ये ए एक्स प्लस बी है, यानी कि ए क्या है 2 है, ए इज इक्वल टू क्या नजर आ रहा है आपको, ए आपको 2 नजर आ रहा है। ठीक है, एक्स की जगह तो चले एक्स ही है, और बी की जगह क्या है 3 नजर आ रहा है आपको। ठीक है, बी इज इक्वल टू 3 है, उसके अलावा पावर जो है एन वो 1/2 है नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो यहां पर इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, ए एक्स यानी कि 2x प्लस 3 पावर n यानी कि 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a क्या है जी, a 2 है, 2 इंटू
n क्या है 1 by 2 है plus 1 इसको चलें सॉल्व करते हैं 2x plus 3 power 3 by 2 divided by 2 into 3 by 2 ये इसे 2 2 से कैंसिल तो मैं यहीं पे इसको अब भी कर देता हूं जो कैंसिल हुआ है तो ये बन गया क्या ये दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल हैं 2x plus 3 और होल पावर 3 by 2 divided by 3 ये भी 2x plus 3 होल पावर 3 by 2 divided by 3 बिल्कुल सेम है मतलब कि अगर आपको फार्मूला ये वाला याद नहीं है तो आप इस तरह से थ्योरम बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो चलें आगे भी हम मजीद सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस तो आपकी इसे आपको इसे इसकी समझ भी आ जाएगी और आप खुद से भी ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने की उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं नेक्स्ट बार से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे